तेल मालिश तेरा। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है करीबन 9:30 बजे, तो चेकआउट सॉरी चेक इन जो था वो 12 बजे का हमारा शेड्यूल था, लेकिन सो नाइस ऑफ देम कि उन्होंने जो है हम लोगों को अभी चेक इन का मौका दे दिया। मोस्ट ऑफ उनके रूम जल्दी खाली हो गए और अभी विशाल और वरुण आने वाले, तब तक मैं क्या कर रहा हूँ सारा लगेज जो है वो निकाल रहा हूँ, और ये मेरा सारा कैमरे वाला सामान है, तो जितना भी यूज़फुल सामान है उसको मैं पीछे रख रहा हूँ, जितना यूज़फुल नहीं है उसको मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। सो पानी की बॉटल जो ऑलरेडी मैं क्रेट ही खरीद रहा हूँ, और ये हमारे पूरे मास्क है, ठीक है, और बाकी कोशिश कर रहे हैं जितनी गंदगी कम हो सके गाड़ी के अंदर, ज़्यादा होगी तो भाई चूहे हुए आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सो अब इस सामान को खुद लेके जाना है, लेट्स सी कैसे रहता सब कुछ। जिन जिन लोगों ने मेरे को अभी इसी वीडियो से जो है फॉलो करना स्टार्ट किया, तो आप लोग जो है मेरे स्टार्टिंग वाले व्लॉग दिल्ली से जब हम निकले थे तब से हम लोगों को फॉलो कर सकते हो। आप लोगों को बताना चाहूँगा दिस ट्रिप इज स्पॉन्सर्ड बाय Boodmo.com, और ये ट्रिप हम लोग दिल्ली से स्टार्ट कर रहे हैं एंड वील बी एंडिंग दिस इन केरला, मोस्ट प्रॉब्ली क्या पता उससे आगे भी हम लोग एंड करें। तो Boodmo.com जो है वो क्या करता है, इनका अपना एप्पल स्टोर में भी एक ऐप है, गूगल पे में भी अपना ऐप है, जिसमें आप लोग स्पेयर पार्ट जो है वो ऑर्डर कर सकते हो, इसलिए इनको बोला जाता है स्पेयर पार्ट एक्सपर्ट। हर गाड़ी का आप लोगों को जो है इसमें स्पेयर पार्ट मिल जाता है, बहुत ईजिली आप लोग सर्च करके कर सकते हो, नहीं तो आप लोग सीधे इनकी वेबसाइट में जाओ www.boodmo.com, जहाँ पर आप लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और साथ साथ में ही आप लोग जो है ऑर्डरिंग वाला चीज़ भी कर सकते हो, चाहे आप लोगों के पास कोई भी ओल्ड गाड़ी हो और उसका स्पेयर पार्ट जो आप लोगों को ना मिल रहा हो, तो यू विल गेट इट वेरी इजीली। और बाकी अगर किसी के भी दिमाग में था कि भाई घर पर रह के हम लोगों को स्पेयर पार्ट कैसा मिलेगा, गो एंड विजिट www.boodmo.com। गाइस हमारे होटल या फिर हमारे मतलब आप कह सकते हो मिनी विला का जो है मैं आप लोगों को टूर दे देता हूँ। तो यहाँ पूरी ग्रीनरी है, ये पूरा बाहर से देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। ऊपर वाला तो अपना नहीं है ना, ऊपर वाला किसी और का, ऊपर वाला लेना चाहिए था मेरी गौर से, नीचे वाला ज़्यादा ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसा रूम देखने को मिलता है, और ये है हमारा फर्स्ट रूम, ठीक है, और यहाँ फ्रिज है, एसी है, ये हमारा वॉशरूम है, अभी वरुण भाई यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा दूसरा रूम है, इसी के साथ में ये इंटरकनेक्टेड आप लोगों का ड्राइंग रूम है, ये आप लोगों का वॉशरूम है, ठीक है, तो मतलब 2 BHK के हिसाब से इट्स रियली नाइस। और विशाल भाई से भी पूछते हैं, अक्कू से भी पूछते हैं कि जितने पैसों में हम लोगों ने इसको ख़रीदा, मतलब ख़रीदा क्या है विशाल, जो प्राइस हम पे कर रहे हैं उसमें कैसा है, ठीक है, हाँ अच्छा है, बुरा है, एवरेज है, एवरेज एक्सपेक्टेशन जो थी उसके अकॉर्डिंग है, नहीं जो फोटो थी वो अलग थी, हाँ वो मेरे ख्याल में उसकी फोटो है जो सिंगल दिला दे, अच्छा लेकिन ठीक है 2 BHK मिल गया, तो हाँ वही सही है, प्राइवेसी भी थोड़ी हो जाती है। और भाई का जो है चार्जर खो गया, 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग, तो हम जहाँ शूट करने गए थे तो हमने इसको बोला है समझाया कि भाई मिल जाएगा, लेकिन रो रहा है बार बार इस से सक के। सो गाइज अभी हम लोग थोड़ा सा चिल कर रहे हैं, वरुण भाई हमारे साथ है, वरुण भाई हमारे साथ है लेकिन वो कहीं और दुनिया में है। आप सोच के देखो कि कोई बीच में कैसे शर्ट और पैंट पहन के आ सकता है विद बेल्ट नीचे नंगे पैर, मतलब वरुण ऐसी चीजें लाने के लिए कहाँ से टैलेंट आता, कहाँ से ये कुछ बोलने लायक नहीं रहे। मेरा वर्जिन मोहितो, आकृति की कोल्ड कॉफी, विशाल का पपाया शेक टाइप का था, और इनका ऑमलेट अभी मेरा सैंडविच आएगा, देख लो पहले मेरी कहां गई मेरी कॉल, क्यों पीते हो इतनी जल्दी, आराम से पिया करो, पपाया शेक नहीं पपाया शेक का, पपाया तो बोला तेरा पाया शेक नहीं, सेल्फ नहीं लग रही क्या। और ये हमारे वरुण देवदास, पानी में छोड़ दे वरुण, पानी में पानी में छोड़ दे, पानी में मम्मी मिट्टी ज्यादा उसके ऊपर, पानी वो जा रहा है मिट्टी में जा रहा है, नाइस कहाँ गया गया अंदर, ये रहा यहीं पे है, ये रहा
क्या बना रहा है? अपना घर बना रहा है यार, ये देखो। वेरी नाइस। तुम भी ऐसे वह घर बनाओगे अपना? यस, तुम सुबोध से बनाओगे। सो गाइस, हमारे बॉयज ऑल रेडी टू गेट इन द वाटर। गहरा पानी है भाई, ठंडा लगेगा थोड़ा। तो भाई तुम तो गर्म के साथ ठंडा लग रहा है। हाँ हाँ, आराम से आराम से आराम से। ये तो गहरा है। तो मेरे को स्विमिंग नहीं आती है, तो मेरे को थोड़ा डर भी लगता है। ये पानी तो अच्छा खासा गहरा है। अरे ज्यादा गहरा नहीं है, पैर टच हो रहा है ना, कुछ नहीं होगा। और राव तो है ही वैसे भी। पानी साफ नहीं लग रहा है। आज की सवारी जो है वो है हमारी स्कूटी। तो आज हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं स्कूटी से, ठीक है। और भाई को मैंने बोला ज़रा प्यार प्यार से स्कूटी को चलाना। और सबसे पहले देखो भाई, इसके अंदर तेल ही नहीं है। तो लकीली अगर हमारा खेल ख़राब नहीं हुआ तो हम लोग इसमें सबसे पहले तेल डलवा लेंगे, ठीक है। और हमें पता है कि हम रात को यहाँ से कैसे आए, इसी रोड से आए हम लोग। हाँ, और मेरी गाड़ी में साइड साइड से थोड़े थोड़े जो पत्ते पेड़ पौधे लग रहे थे ये वाले थे। ये लोकेशन तो दे दो मेरे को, मेरे फ़ोन में वैसे बैटरी नहीं है। मैं व्लॉग बनाऊँ या आपका, मैं लोकेशन देखूँ? एक सेकंड होल्ड कर दूँ। एक सेकंड होल्ड कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकल गए हैं बाहर। पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप नहीं है क्या? क्या करूँ पंप है? हाँ, बॉटल मिलेगा, ठीक है ठीक है, थैंक यू। चलो साइड से मिल जाएगा, चलो ठीक है। वाह भाई, तो भाई यानी हमें ब्लैक में खरीदना पड़ेगा पेट्रोल। पेट्रोल कम तो होगा, पेट्रोल है। पता नहीं भाई क्या सीन है, लेकिन ब्लैक में लेना पड़ेगा, नहीं तो अब पता नहीं उसमें कहीं मिक्सिंग ना हो, इनकी स्कूटी कहीं ओके ना हो जाए। पूरा ऑफ रोडिंग वाला मज़ेदार सीन है यहाँ पर ना। ओ भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? नीचे उतारोगे? इधर ले लो। हमने सोचा था कि चलेगी नहीं, लेकिन कम से कम 12 किलोमीटर चल के आ गई है, ठीक है। और हम लोग मापुसा के पास पहुँच चुके हैं और सब कुछ जो है बिल्कुल ओके रिपोर्ट तरीके से चल रहा है। एक मिनट रुक जा भाई। तो हमने यहाँ से जाना है, रुक जा भाई, आगे से लेफ्ट दिखा रहा है ये, ठीक है। चलो भैया थोड़ा इसका कुछ लेफ्ट ले लो, लेफ्ट ले लो। आप जो है वरुण का हम लोग चार्जर लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि भाई को पता नहीं फास्ट चार्जर ही चाहिए। सनसेट का टाइम है, हम लोग जो है थोड़ा वर्जिन मोहितो और खाना पीना जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें चारों तरफ से कुत्तों ने घेर रखा है और मैं 0.5 में शूट कर रहा हूँ। बहुत खतरनाक सीन है, मैं बहुत डरा डरता हूँ। क्या हुआ है विशाल की वजह से, इसने चिकन जला दी किसी कुत्ते को और उसके बाद से खेल ख़राब हो गया। सनसेट देख लो, देखो अगर मैं 0.5 से हटा के 1x पे देता हूँ। वरुण भैया से बात ये हो रही है कि बीच में इन्होंने टाटा सॉल्ट आज काफ़ी सारा खा लिया, तो पूछ रहे थे कि भैया पूरा तो मुँह के अंदर नहीं चलेगा सारा टाटा सॉल्ट, कहीं तुम शाम को बेहोश पड़े हो हमको जब मिलो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पंजिम में, और पंजिम में हम लोग कहीं मतलब क्लब में नहीं जा रहे हैं, कहीं पर आज हम एग्जैक्टली वही जगह जा रहे हैं जहाँ दृश्यम मूवी में अजय देवगन ने बाबा जी का दृश्यम या फिर सिंघम, दृश्यम मूवी भाई मैं तो सिंघम वाली जगह ले गया। दृश्यम मूवी में अभी वो पंजी गए थे आश्रम में पूरी फैमिली, पता नहीं भाई, लेकिन अभी तो हाँ स्वामी चिन्मयानंद जी के आश्रम। तो अगर वो इस वीडियो को देख रहे तो वरुण जी उधर आ रहे हैं और सिंघम की तरह वहाँ पर पोल भी उखाड़ोगे भाई। ये तो हमारा फेवरेट पार्ट है यार लाइफ का,
समझ रहे हो आप। वेरी नाइस सर। हम लोग उम्मीद नहीं थी कि वी विल गेट सम गुड सीनरी वाला जगह। कहाँ पर है हम लोग अभी? डोना पावला, जहाँ पर सिंगम का शूटिंग होगा। डोना पावला जेटी। तो अभी अंधेरे में पता नहीं कितना जस्टिस हो रहा है। नहीं हो रहा, जस्टिस नहीं हो रहा है। लुक्स वेरी नाइस। अभी इधर काम चल रहा है रेनोवेशन का, ठीक है। इस वाले पार्ट में पूरा काम चल रहा है। सच नाइस छोटू सा बीच नो। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोवा। इट्स आवर सेकंड डे इन गोवा, और टेक्निकली सेकंड डे मतलब, और हमारा ये ट्रिप का सातवां दिन है। और हम लोग अभी जस्ट सो के उठे हैं। वरुण भाई भी उठ गए हैं विथ वाइट शॉर्ट्स, सॉरी शॉर्ट्स नहीं, वाइट पजामा क्रिकेट वाला, ठीक है। तो अभी हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट, अभी हम लोग करेंगे बॉलिंग, बॉलिंग करेंगे अभी, करके दिखाओ बॉलिंग, क्रिकेट खेलेंगे और कुछ खाएंगे अभी, और उसके बाद फिर आपसे जो बात करते हैं। ब्रेक कैमरे का कवर गिर गया जोशी, इसको संभालिए, ये इस ट्रिप में हजार बार गिरा होगा, मैं कहता हूँ कि धागे से बांध लीजिए। सो उठ गए सबके सब, कुछ खाते हैं फिर बात करेंगे। सो गाइज हम लोग खा रहे हैं पोहा, चाय, और अभी पूरी भी थी। चाय बहुत ठंडी थी, हमने गर्म के लिए बोला, आई गर्म, इतनी ठंडी थी कि मन कर रहा था कि हाथ धो ले इस साइड। विशाल कुछ नहीं खा रहा क्योंकि यहाँ पर अंडे वंडे नहीं है। और आपको कैसा है खाना? जीरो स्टार माइनस नेगेटिव। नेगेटिव होटल रूम? नेगेटिव। तो ये हमने ट्राई करके देखा था, होटल रूम ठीक है, मतलब हमने इस चक्कर में फाइव सिक्स क्योंकि बीच के पास, फाइव सिक्स कह रहा है ये, हमने इस चक्कर में ले लिया क्योंकि स्पीड से वॉक था, हमें नहीं पता था कि ऑनलाइन जो हमने पिक्चर्स देखे उससे जो हमने लाइव देखा, ऑनलाइन में हमारी जो रूम की फोटो है वो डाली नहीं थी। अच्छा वो वाली रूम की फोटो ही नहीं थी, स्कैम हो गया। This is one of the biggest scam in 2020. Morgan Hermitage यार होटल का नाम। क्या नाम है होटल? होटल Hermitage। चलो ठीक है। सो आज की जो मॉर्निंग है वो मेरी बड़ी इरिटेटिंग वाली मॉर्निंग हुई है। उसका रीज़न क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि एक तो वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दी सर्विसेज जो हमें मिली है। यहाँ का रेफ्रिजरेटर जो है वो काम नहीं कर रहा है। पहले वो रिप्लेस भी नहीं कर रहे थे, फिर उनके ओनर से बात करते थे, उन्होंने रेफ्रिजरेटर चेंज करके दिया, उसके अंदर भी गैस नहीं है, यानी कि वो भी कूलिंग नहीं कर रहा। और जो पहले आए थे भैया वो कहते कि ये दो घंटे लगते हैं। मैंने बोला भाई हम लोग 12 बजे से पहले चेकआउट कर लिया था और करीबन 9-10 बज रहे थे तब रात के, तो भाई दो घंटे तब तक हुए नहीं है। चेक इन किया पता नहीं यार भाई, मतलब और खाने की जो क्वालिटी थी नॉट एट ऑल, मतलब मैं इसको मतलब आधा स्टार क्या, मैं जीरो स्टारों में भी नहीं गिन सकता उस खाने को ना। नेगेटिव मतलब इतना गंदा खाने की क्वालिटी थी, रियली डिप्रेसिंग, बहुत मतलब बेकार। मतलब जो हमने ऑनलाइन देखा और जो हमें यहाँ मिला ना, दे आर लाइक टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, नेवर। मैं इतना ज़्यादा प्यार है मेरा गोवा से क्योंकि मैं जब भी गोवा आता हूँ तो मैं मापुसा वाली जगह में रहते हैं, मापुसा में मैं विला में रहता हूँ, और मतलब चाहे वहाँ पर ब्रेकफास्ट मिले ना मिले लेकिन हम लोग स्टिल अच्छी चीज़ खा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रेकफास्ट इंक्लूड होने के बाद भी नॉट एट ऑल हैप्पी, नेवर रिकमेंड दिस प्लेस टू एनीबॉडी। अब जो है मेरा चंपी टाइम हो चुका है, मुझे सर पे जो है थोड़ा ऑयलिंग कराने की बहुत खास ज़रूरत है क्योंकि मेरे सर में खुजली हो रही है और आकृति जो है वो चंपी कर रही है, बिल्कुल तरबदर कर दे को मेरे, जो पूरा तेल से है ना पूरा सर ऐसे भीगना चाहिए तभी मज़ा आएगा भाई। मालिश तेल मालिश, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। सो गाइस हमारी ट्रिप का सातवां दिन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और विशाल भाई इसको नहीं खाने वाले, इसको हम लोग, ये कूड़ा है, इसको हम लोग फेंकेंगे। विशाल भाई कह रहे हैं आज बॉडी को जो है फ्लॉन्ट करेंगे, हमारा सेकंड डे है गोवा में और आज फुल पावर ट्रेनिंग होनी चाहिए। वरुण भाई जो है आज डीकैथलॉन से कुछ कपड़े खरीदेंगे क्योंकि इनको पजामों की अब खास जरूरत है अपने जीवन में, एक बहुत छोटा सा बैग लेके आए थे, ठीक है। सो नाउ वी आर लिविंग, और ज़्यादा होटल में कुछ है नहीं, टीवी नहीं है तो एंटरटेनमेंट सोर्स ही नहीं है, बाकी वरुण भैया हमारे एंटरटेनमेंट सोर्स है। दे रखे हैं जो नेसेसिटी होती है, एक बेड, एक तकिया, एक चद्दर और एक एसी, एक पंखा, खत्म। खत्म, सीन खत्म, रेफ्रिजरेटर तो चलाने का कोई मतलब ही नहीं है। रेफ्रिजरेटर तो दिखाने के लिए दे कि हाँ ऐसी भी कोई चीज होती है। खाना तो हम घर से लेके आए थे, इन्होंने रहने के लिए छत दे दी है बस। बहुत नहीं है हमारे, लेकिन खाना भी मतलब खाना भी दे दिया और छत भी दे दी, पैसे लेके, खाना भी दिया छत और पैसे लेके दिए, कोई ज्यादा लिए, पैसे ज्यादा लिए।
कोई बात नहीं, इट्स गुड, गिरो मत, संभालो अपने आपको और देख लो भाई आज विशाल एक बार बॉडी, विशाल भाई एक बार जरा बॉडी एक बार जरा थोड़े डोले आ रही है, ये हटाओ पहले, इसको साइड में रख दो ठीक है, जरा थोड़ा बॉडी फ्लॉन्ट करके इधर इस तरफ दिखाओ ना, हाँ भाई ये देखो भाई, तो भाई ये देख लो ये विदाउट एनी स्टीरॉइड्स है एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी बॉडी बनाने वाले बंदे के लिए, बस विशाल भाई जो डेडिकेशन और चिकन और अंडे जो है वो भाई है प्रोटीन खत्म होने वाला है, तो भाई को स्पॉन्सर कोई करना चाहे तो कर दो, मैं वीडियो भी बना दूंगा उसकी ठीक है, फ्री में बना दूंगा ठीक है, जो गोवा से है उनके लिए आके वाले ऑफर पूरे साल का देना लेकिन ठीक है। तो पिछले वीडियो में एक कमेंट आया हुआ था, लोग कह रहे थे कि भाई आपने जो है अपनी गाड़ी साफ क्यों नहीं करवाई, आप गंदी गाड़ी लेके घूम रहे हो, तो भाई हम लोगों को लिटरली टाइम ही नहीं मिल पा रहा, हम पर्सनली भी चाहते हैं कि हमारी गाड़ी जो है वो साफ दिखे, लेकिन स्टिल और हमारे वरुण भैया जो है हमारा वेट कर रहे हैं, और ये थंबनेल कितना सेक्सी होगा भाई विशाल, मेरी गौर से हमें एक बार रुकना चाहिए एक थंबनेल के लिए, तो भाई रोक लेंगे, हाँ आगे झाड़ में रोकेंगे, हाँ थंबनेल जोड़ देंगे, आओ ना भैया चलते हैं, पूरा भाई झाड़ वाला इलाका है वहाँ से निकालेगा विशाल भाई, तब वीडियो बनाता हूँ। और मैं अभी बात कर रहे थे कि लाइफ में किसी भी काम को करने के लिए कितनी डेडिकेशन चाहिए, डेडिकेशन बहुत चाहिए, और आप लोगों को कमाल की चीज़ बताता हूँ मैं, रुक जाओ पहले मेरा ये खुलने दो ठीक है, एक कमाल की चीज़ बताता हूँ, जो हम लोग जो है यहाँ पर ऐसा सच कोई फोर्ट वोट में नहीं जा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि भाई मैं तो ऑलरेडी जो हूँ गोवा में काफ़ी आता हूँ, तो मैंने चीज़ें एक्सप्लोर कर रखी है, वरुण भैया को जो है अभी कपड़े दिलाने हैं और चप्पल उप्पल ले लिए भाई ने, क्योंकि बहुत कम नोटिस में जो है भाई का प्लान बन गया था ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पिज़्ज़ा हट पीछे दिख रहा है वो उधर ऑर्डर किया, क्योंकि कैलंगुट वाला पिज़्ज़ा हट बंद हो रखा है, यहाँ पर हमने ऑर्डर किया और कुछ खाने को ले रहे हैं, सबसे ख़तरनाक चीज़ जो मैंने केवल यहीं पर अभी देखी आके कि यहाँ पर केवल सेटिंग नहीं हो रही, बाकी सब जगह सब सीन सही है, लेकिन पिज़्ज़ा हट में जो अभी सेटिंग नहीं हो रही है, पता नहीं क्या रीज़न है, कैलंगुट वाला तो अंडर मेंटेनेंस है कुछ है, और बाकी देखते हैं भाई क्या चलता है कैसा रहता है लाइफ का, और क्राउड कैसा है आसपास का भी जो गोवा का, अच्छा है यार यहाँ इस गोवा के इस पार्ट में तो बहुत बढ़िया है भाई, जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, मतलब वहाँ भी वहाँ तो बहुत प्रीमियम है, लेकिन वहाँ थोड़ा मतलब जैसे जिनको भाई शांति चाहिए थोड़ी पीस चाहिए वो हमारी जैसी जगहों में रहे, वो उस जगह पे जाए, और जो स्कूटी से स्कूटी टकरानी है वो यहाँ जाए, जो स्कूटी से स्कूटी टकरानी है, और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताता हूँ बड़ी कमाल की बात, कि अगर आप में से कोई भी सोचता है कि भाई हम लोग क्यों प्रीमियम जगह जाके नहीं रह रहे जहाँ पर 25,000 का एक कमरा हो या 17,000 का, तो हम रह सकते हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन हम लोग एक बजट के ऊपर चल रहे हैं, और साथ ही साथ में जमीन से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े भी हो सकते हैं, मैं भी जुड़ा हूँ देखो जमीन से जुड़े हुए हम लोग जमीन में ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस भाई सब कुछ अभी तक तो बढ़िया चल रहा है, और इसीलिए रूम नहीं महंगा ले रहे क्योंकि हमारे स्टॉक बहुत ज़्यादा है, पैसे बचाने हैं, और देख लो, और आपको पता है एक वीडियो डाली थी हमने अभी जिसमें मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि तुम लोग वरुण को पानी में क्यों फेंक रहे हो, तो वो बेसिकली क्या है, ये जो लड़का है ये खुद चाहता है कि इसको दर्द मिले इसके बारे में, और हमारे पास प्रूफ भी है, विशाल एक बार बताइए उसको कितना दर्द चाहिए, अरे हमारे पास प्रूफ है पूरे, इसने खुद बोला हुआ है, इसने खुद हम लोगों को बात बोली कि मेरे को मारो, मेरे को तब तक मारो, क्या था एक बार बोलता कि भैया बोतल मार दो सर पे, कभी कह रहा लाठियों से मारो, कभी कह रहा बेल्टों से मारो, तो भाई मम्मी अगर वीडियो को देख रहे हो तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं, अगर हम इसको मार रहे हैं या फिर इसको हम पानी में फेंक रहे, थोड़ा साइड हो जाओ, ओके हो जाओ भाई, देखना आखिर तो सच्ची बात है, मुझे बेल्टों से पीटो, मुझे दर्द, कह रहा दर्द से जो है मैं और स्ट्रॉन्ग बनूंगा, सहनशील, ये देख अभी देख लो चूल्हे इसके हाथ में, अरे मुंह पे घुसड़ मारूंगा मैं, गोवा में आए और आपने 100 रुपए का चश्मा नहीं लिया तो आपने क्या लिया जो कि हम लोगों को दिल्ली में कितने का मिलता है, 100 रुपए का, 100 का नहीं मिलता, 70 का, अक्कू को रोल बाग कहने को पता है, तो वरुण भाई अभी कुछ चीजें ट्राई, और दो तीन चीजें ट्राई करके दिखा दो, फिर आप एक ले लेना कोई, सर ठीक है यार ये सही, कौन सा वाला लिया जरा पहन के दिखा दो, इधर दिखाओ, ठीक है ये ले ले, अक्कू अपना देख ले कौन सा पसंद आ रहा है, बाहर आके गाड़ी देख के खोल ले जरा, बे आना रहो एक बार बताना, लॉकी कर देना, शीशा बंद कर दे, शीशा बंद कर दे विशाल, हाँ बोला शीशा खुला हुआ है, अब सबके सब चश्मा लेंगे, एक बारी चस्का लग गया सबके सब चश्मा ले लेंगे, भाई इसमें तो प्रोफेशनल लग रहा है, प्रोफेशनल किलर,
सही है ना, ये चाहिए। ठीक है भाई, भाई इसको कुछ पसंद आ ही नहीं सकता। ये देखियो गई बारी जैकी श्रॉफ। तो फाइनल यही है, विशाल का ये वाला है और तेरा ये वाला। ठीक है, बढ़िया लग रहा है। चलो आप पैसे, आप एक पैसे कर लेंगे भैया और मैं बाद में। तो गाइज अब जो है खाना पीना हो चुका है और टाइम कितना हो रहा है कोई बताइयो, 6:27 हो रहा है और हम लोग अब पैदल चल रहे हैं, जो कि हम यूजुअली करते नहीं, इसलिए हम लोग मोटे गैंडे हैं। ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं भाई के लिए कपड़े ढूंढने के लिए, लेकिन भाई कहता है कि मैं पहनता केवल ब्रांड हूँ, तो यूसीबी के कपड़े इनको चाहिए ऐसा कह रहे थे ये। तो उसके लिए हम लोग वॉकिंग करते हुए जा रहे हैं। पीछे विशाल फिर से फ़ोन में होगा। हाँ, तो विशाल के पास 6 वर्ड आते हैं टोटल मिला के ना, उसमें से क्या क्या वर्ड है मैं बताता हूँ देख। हाँ क्या बताओ, क्यों, अच्छा ठीक है, ओके। यही शब्द है जो ये गिने चुने बोलता है। डिक्शनरी में ज़्यादा वर्ड नहीं। हाँ, इसके डिक्शनरी में ज़्यादा वर्ड नहीं। और बाकी यहाँ पर अपार्टमेंट और जो होटल्स है बड़े प्रीमियम है, ज़बरदस्त है, हम लोग भी यहाँ पर रुक सकते थे, लेकिन फिर अगेन हम लोग जो है वो बीच वाले बंदे हैं, बहुत ज़्यादा कोर बीच वाले बंदे हैं। हमारी आंखें भी खुले तो वो उनकी पलके भी समुद्र से टकरा है एकदम, मतलब इतने पास हो। ओ भाई साहब, तो तू कहाँ उधर ही सोता है, मिट्टी के पास ही बैठ रहा है आजकल? मिट्टी के पास ही बैठ रहा है भाई, आग वाग जला के वही बैठ रहा है। सो गाइज, गोवा के एक और नए दिन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम गोवा में नहीं रुकने वाले हैं, टुडे वी आर लीविंग फॉर बैंगलोर, जहां पर हम लोग पहुंचेंगे मोस्ट प्रॉब्ली रात तक। और उसके बाद हमारा एक बहुत ज़रूरी शूट है जो कि बूडमो का है, जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोगों को जो उसके बारे में और चीज़ें बता भी दूंगा। और अभी जो है पैकिंग वाला चीज़ जो है वो ऑन हो चुका है, पैकिंग जो है वो चल रही है। और अभी जो अपने लड़के हैं, एक लड़का इसके अंदर होगा वरुण, तो वरुण भाई जो है वो अंदर है अभी वॉशरूम के। विशाल भाई एज ऑलवेज फ़ोन में लगे हुए, ठीक है। और अब हो गया, मतलब गोवा का जितना मेरा मन था उतना मन हमने पूरा कर लिया है, आराम भी कर लिया है। नाउ वी आर गुड टू लीव, और बस पैकिंग कर रहे हैं, देन वी आर लीविंग। मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग रात को पहुंचेंगे बैंगलोर, और उसके बाद एक्सप्लोरिंग है, एक नया स्टॉप जुड़ा है वो आप लोगों को वीडियो में पता चलेगा। सो तैयार होते हैं, 201 में हम लोग रुके थे और उसके बाद हम निकलते हैं। वरुण भाई फिर से अपने अटायर में आ चुके हैं, कल आपने निकल और बोली थी उसका क्या हुआ? बस यार ये ठीक है भाई, इसमें ज्यादा कंफर्टेबल हूं भाई। चलो अच्छी बात है, कंफर्टेबल रहना भी चाहिए, है ना। और ये अपना क्रिकेट वाला पजामा हमारे साथ अभी तक ही हमेशा रहेगा, ठीक है। विशाल भाई मोटी जैकेट लेके आए, कह रहे केरला में बिल्कुल गर्मी में मैं जैकेट पहन के घूमूंगा। पोस्टिंग आ गई भाई। हाँ, इनकी हमारी नई पोस्टिंग आ गई है। अब कहाँ की पोस्टिंग आई है भाई? बैंगलोर जा रहे हैं भाई। तो वरुण बैंगलोर इससे पहले गया कि नहीं गया? भाई मैं साउथ में कभी आया ही नहीं था पहले। चलो बैंगलोर तो हम भी नहीं गए, तो वो भी हमारे लिए एक्सप्लोरिंग जगह होगी। उम्मीद ये है कि बहुत ज्यादा गर्मी होने वाली है वहाँ पर भाई। गर्मी तो जब हम उदयपुर से निकले थे ना, और राव के हिसाब से तो जब से मैं राव के साथ हूं दिल्ली से गर्मी चल रही है, गर्मी चल रही और दिल्ली में भाई बता रहे कि बहुत ही ज्यादा ठंडा, बहुत 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 ज्यादा। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है यार, विशाल तो अंदर से गर्म है एकदम। तो विशाल भाई मेरे को लग रहा है कि इनके अंदर कोई एक, इनके अंदर वो नान बनाने वाली भट्टियां चल रही ऐसे। गाइस पैकेजिंग जो है वो हमारी गाड़ी के अंदर अच्छी तरीके से हो गई, पूरा ऊपर तक भर गया। कोशिश किया कि पीछे वाला जो शीशा है वो थोड़ा सा व्यू जो है दिखा सके, और साथ में पीछे लड़के बैठ गए। लड़के हाँ तो भाभी माँ और वरुण भैया पीछे बैठेंगे, विशाल और मैं आगे बैठेंगे, और भाई जो अभी सैनिटाइजर मार रहे हैं हाथों में, ठीक है। एंड वी आर गुड टू लीव, एंड जैसे हम लोग बोलते हैं बाय बाय गोवा, बाय बाय गोवा हो चुका है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं हमेशा, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, जय चितई गोलूदेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, लेट्स लीव। सो गाइस अभी हम लोग जो है कुछ खाने के लिए रुके हैं, तो मीनवाइल जो है हम लोगों को कुछ बढ़िया चीज देखने को मिली, तो इन्होंने बोला कि भाई जाके एक बारी शूट कर लो। ओके, सो क्या करने वाले आपको? क्या डाले मुर्गियों दाने? मुर्गियाँ काटती भी है क्या? क्योंकि भाई अपन प्योर वेज है, तो हम लोगों को इतना मुर्गियों के बारे में पता नहीं है। और देखो असली जो हमारी मुर्गी बैठी हुई है अंदर है, द चिकन मैन। तो उसमें नमक नहीं,
भैया को डिश समझा रहा है कैसे क्या बनाना है। सो गाइस हमें पहली बार रोका था, उन्होंने बोला अल्कोहल तो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट में हमें रोका, वहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट चेक हुए जो कि बिल्कुल 190-200% मेरे डॉक्यूमेंट हमेशा करेक्ट होते हैं, ठीक है। और हमारी गाड़ी को एक साल नहीं हुआ तो अभी पोल्यूशन की जरूरत पड़ती नहीं है। और बाकी फिर उन्होंने पूछा कि आपके पास कुछ है तो नहीं, हमने बोला सर आप चेक कर सकते हैं। उन्होंने थोड़ा सा चेक किया, उसके बाद उन्होंने समझ गया कि लड़के जो है बड़े जेन्युइन है, ये ड्रिंक व्रिंक कुछ करते नहीं है। जस्ट बिकॉज की लड़की साथ में थी, ये अपना हर चीज में, वो तो सोचे थे चार लड़के बैठे हुए। चलो तो ये क्या टोल है, क्या है? What is this? अरे जब तक कोई रोके नहीं ना, रुकना नहीं चाहिए। वरुण भैया का फ्री का ज्ञान पीछे से आता हुआ हमारे पास। सही बात है, जब तक कोई रोके नहीं तो रुकना ही नहीं चाहिए। सही बात है, हमें रोका तभी तो रुके ना। और भाई ने जो है आज पहने हुए ब्लू कलर के चश्मे, तो भाई को ब्रेकर थोड़े कम दिख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग एक पीस में पहुंच जाए बढ़िया है। भाई को ब्रेकर रोलर कोस्टर राइड की तरह दिख रहे हैं, भाई सीधा ले जा रहे हैं ऊपर फिर नीचे ला रहे हैं, ठीक है। खूब मजा आ रहा है। तो गाइस हमारी जिज्ञासा जगी है कि हम लोगों को इसके ऊपर लेके जाना चाहिए गाड़ी को, ठीक है भाई। मजा आएगा वरुण, एक नंबर ब्रो, एक नंबर। ओ इधर टूटा हुआ रोड, टूटी हुई, रुक जा, ये देखिए टूटा हुआ पूरा। नाइस भाई, अच्छा लगा, काफी अच्छा लग रहा है। थंबनेल ले लेते थे ना, मैं आगे उतरता हूँ, थंबनेल ले लेते हैं आके। वरुण भाई का कहना है कि इसको गाड़ी को और ऊपर लेके जाया जाए। और जिन जिन को नहीं पता है, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय bootmode.com, ठीक है। और भाई हमारे ऑल टेरेन टायर्स नहीं है, लेकिन भाई फिर भी गाड़ी चला रहे हैं ऊपर। देखिए सांप हो सकते हैं। सांप छोड़ो, गाड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए, सांप तो फिर देख। और आप लोग व्यू देख रहे हो कितना जबरदस्त है। वरुण तो ऐसा चल रहा है जैसे हम लोग हाथी लेके चल रहे हैं साथ में। बहुत बढ़िया भाई।